नमस्ते दोस्तों, मैं सुमीला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे यहाँ पर आज इतनी तेज बारिश हुई कि मेरे सारे पौधे उलट पुलट हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ आज बारिश के बाद। और सारा मेरा यहाँ आया तक पूरे गमले आधे आधे मेरे डूब चुके थे। पूरे गमलों में मेरा पानी भर चुका है। जिनमें ज़्यादा पानी है मैं उनका पानी निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा देखिए ऐसे पानी भरा पड़ा है। मैं पानी इनका निकाल रही हूँ। जिनका पानी निकल चुका है वो तो ठीक है, पर जिनमें पानी बहुत ज़्यादा देखिए कितना मेरा इन गमलों में पानी भरा हुआ है। ये देखिए, तो पानी निकाल रही हूँ। ये देखिए पूरे पूरे गमले मेरे ना पानी में डूब गए थे। पूरा पूरा पानी मेरा यहाँ भर गया था। देखिए ये तो बिल्कुल एकदम सूखा हुआ है। और ये देखिए इतना पानी इनमें ना भर रखा है। तो मैं यही हटा देती हूँ। अब मैं आई हूँ यहाँ पे, थोड़ा मेरा पानी भी निकल गया, नीचे का भी पानी निकल चुका है। पूरे पूरे मेरे गमले ना भर रखे हैं। नीचे से इनका होल तो ठीक है, तब भी पानी इतना ज्यादा था। बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ज्यादा तेज पानी। आज बहुत तेज बारिश हुई है। जितनी भी बारिश हुई है ना, उन बारिशों में आज की जो बारिश थी ना बहुत ही तेज थी। ये देखिए, तो मैं इनको ना पानी सबका निकाल देती हूँ, क्योंकि आज बहुत पौधों में बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया है। ये देखिए, तो इतना पानी तो पौधों के लिए मेरे को लगता नहीं कि ठीक है। ये देखिए, और ऐसे ही ये पानी अटका रहा था सारे मेरे पौधे खराब हो जाएंगे। तो मैं इनको निकाल देती हूँ पानी को। बाकी के सारे गमले मेरे बिल्कुल ठीक है। देखिए ये देखिए, बारिश से पूरे का पूरा नीचे लुढ़क गया है। पूरा नीचे आ गया है। देखिए इसको सपोर्ट देना पड़ेगा मुझे। इस तरीके से हो गए मेरे गमले। बाकी मैं गमले चेक कर रही हूँ कि इसमें ज़्यादा पानी है। बाकी गमले मेरे ठीक है, पानी निकल चुका है। थोड़े गमले हैं जिनमें देखिए पानी भरा पड़ा है। तो इसी तरीके से बारिश में जो हमारे गमले भर गए ना, उनको पानी को हमें निकालना पड़ेगा। ये देखिए बहुत बहुत पानी भर गया है। इनके नीचे से भी देखिए जड़ इसकी नीचे आ रखी है। मैं जिनके जो होल है ना इनको भी खोलूंगी। जड़ें पूरी नीचे तक आ गई हैं, इसकी वजह से पानी फंसा हुआ है। बाकी मेरे ठीक है। और यहाँ पर मेरा हो रखा है बारिश का पानी इकट्ठा, जो मैं बाद में अपने पौधों को दे सकती हूँ। इसमें मैंने पानी इकट्ठा करा हुआ है। ये देखिए ये तब भी मेरा पूरा भर चुका है। तो मैं इनका पानी उलट देती हूँ। बाकी मेरे गमले देखिए बिल्कुल सूखे सूखे हैं। ये देखिए बाकी किसी में कोई ज़्यादा पानी नहीं है। थोड़े गमले हैं जिनमें पानी मेरा स्टोर हो गया था, उनको मैंने निकाल दिया। और पौधे मेरे सारे लुढ़क गए हैं। ये देखिए ये तो बिल्कुल टेढ़ा ही हो गया है, बिल्कुल नीचे की तरफ को झुक गया है इस तरफ को। और ये है मेरा गुड़हल फूल, इसके ऐसे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे खिले हुए। इतनी तेज बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज थी बहुत आज की बारिश जो थी। और यहाँ हमारा सारा जो है ना यहाँ पे पानी, पूरे गमले मेरे डूब गए थे। यहाँ सारा मेरा पानी भरा पड़ा है। गमले मेरे ठीक हो गए, और गमलों में बिल्कुल पानी नहीं है। जिनमें था मैंने हटा दिया है। बाकी मेरे सारे गमले सूखे हुए हैं।
ऊपर भी मेरे सारे तो मैं यही दिखा रही थी आपको कि मेरे गमलों में कितना पानी, किन किन गमलों में इतना पानी भर गया है, मैं उनको निकाल रही हूँ। ये देखिए इसमें भी मेरा इतना पानी, थोड़ा सा इसमें भी डाला हुआ और ये भी पूरा भरा है। देखो तो इसी तरीके से जो बारिश के बाद हमारे गमलों में बहुत अधिक पानी भर गया है, उनको पानी को निकाल लें हम सारा का सारा पानी। बाकी मेरे सारे गमले बिल्कुल ठीक हैं। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आई थी कि गमलों में हमारा पानी भर गया तो उनको निकाल लें आप पानी को, पानी का वेट ना करें कि अपने आप ही नीचे से निकल जाएगा अपने होल से, हम खुद भी इन पानी को नीचे निकालें ताकि गमले बहुत पानी से भरे हों और ज़्यादा पानी पौधों के लिए ठीक नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। और जेट प्लांट तो मैंने उठा के ऊपर ही रख दिया था वॉशिंग मशीन के ऊपर, ये देखिए, ताकि इसमें ज़्यादा पानी ये भी डूब जाते। कुछ मैंने पौधे अपने यहाँ रख दिए जिनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है तो उनको मैंने यहाँ रख दिया, नहीं तो आज तो मेरे सारे ही डूब जाते, पौधे ख़राब हो जाते इतनी तेज़ बारिश में। ये देखिए इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो अब करती हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।